हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश द टीनी टीचर, पेज नंबर 5, कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ ग्रैब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। ग्रैब को कितना समय लगता है एक कंप्लीट एंट बनने में? 2 or 3 वीक लेटर ग्रैब बिकम कुकून। 2-3 सप्ताह बाद ग्रैब कुकून में कन्वर्ट होता है एंड देन लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, और बिना खाना और किसी भी मूवमेंट के वो रहता है फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह के लिए। एंड देन कंप्लीट एंट अपेयर, उसके बाद एक कंप्लीट एंट अपेयर होता है। सेकेंड नंबर, वाई डू द वर्कर एंट कैरी द ग्रैब अबाउट। वर्कर ग्रैब को क्यों कैरी करती है डेली? तो वो सनशाइन के लिए, एक्सरसाइज के लिए और एयरिंग के लिए, हवा, रोशनी और एक्सरसाइज। द वर्कर एंट कैरी द ग्रैब अबाउट डेली फॉर एयरिंग्स, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब आर न्यू एंट ट्रेन फॉर। जो नए एंट्स होते हैं उसको किस जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है? द न्यू एंट आर ट्रेंड एज वर्कर्स, सोल्डर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा फ्रॉम ओल्ड एंट्स। जो नए चींटी होते हैं उसको वर्कर, सोल्डर, बिल्डर्स, क्लीनर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। किसके द्वारा? ओल्ड एंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम अदर क्रिएटिव क्रिएचर दैट लिव इन एंथिल्स। और अदर क्रिएचर का नाम बताना है जो एंथिल्स में रहते हैं, जो एंथिल्स में रहते हैं। तो वो ये है, सॉरी, एन एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। एंथिल सिर्फ एंट के लिए ही घर नहीं है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, लाइक और भी क्रिएचर्स है जिनका होम है ये, ब्रिटल, बिटल्स का, लेजर ब्रीड्स, एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर। 3 चीज़ें बतानी है जो हम लोगों ने टीनी टीचर से सीखा है। ये 3 चीज़ें हैं, वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द टीनी टीचर। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग में अवेलेबल नहीं है या फिर वो भूल चुका है। फर्स्ट, हार्ड वर्क। सेकंड, क्लीनिनेस। थर्ड, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। इसके अलावा भी और भी है, केयर फॉर द यंग वंस, लॉयलिटी एक्सेट्रा। और ये क्यों ज़रूरत है हमें? बिकॉज ह्यूमन्स आर लैकिंग ऑफ इट, ह्यूमन बींग में इस चीज़ की कमी हो रही है। अभी आप लोग इस एक्सरसाइज को बुक से भी फाइंड कर सकते थे, मैं बुक का एक पेज दिखा रही हूँ जिससे आपको दिखेगा, मैंने मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इस जगह मार्क किया है, सेकेंड, ये 1 है, सेकेंड के लिए यहाँ मार्क किया है, थर्ड के लिए ये, 4 के लिए ये, एंड 5 के लिए ये। आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।